जिसको साइटिका की बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या कमर की रीढ़ की हड्डी कहीं बांकी टेढ़ी होने लगती है या नसें चोक होने लगी हों, काम ना कर रही हों, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव पर आप कोई भी सफेद कलर के पुष्प भगवान शंकर के मंदिर में कुंदकेश्वर के नाम से 31 फूल समर्पित करना है आप, 31 पुष्प। और कुंदकेश्वर के नाम से 31 पुष्प समर्पित कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की जड़ थोड़ा सा भाग निकालकर ऊपर से छीलकर अंदर का भाग शंकर कुंदकेश्वर को चढ़ाना है। उस जड़ को लाकर उसको पीसना है और पीसकर सुबह के समय पर 3 बार उसका कुंदकेश्वर का नाम लेकर सेवन करना है। जिसको साइटिका और जिसको रीढ़ की हड्डी स्लिप डिस्क जिसको प्रॉब्लम होती है उसको बाबा कुंदकेश्वर एक ऐसे महादेव हैं, क्योंकि भगवान शंकर के चरण पर पार्वती के द्वारा फेंका गया कुंद का प्रहार हुआ और उससे बाबा को चोट लगी जिससे बाबा का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। जैसे मन से जो मांगा वो शिव दिया, पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार करा, जो विदल उत्पल को मारा तो वो कुंदुक जाकर शिवजी के चरणों में गिरा तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, कोई बीमारी आ गई है नहीं जा रही है, शिवजी पे जब जल चढ़ाओ तो थोड़ा सा तरीका चेंज करो। बीमारी बड़ी है, कट नहीं रही, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये डंडी वाला जो भाग है बेलपत्री का, ये शिवलिंग पर रखो तो इस डंडी वाले भाग को अशोक सुंदरी की ओर मुख रखो। आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से जल बहता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी। तो जब आप बेलपत्री रखे हैं तो वो बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर ये डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर जाता है और फिर आप जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाएं तो ये कामना कर कर चढ़ाएं कि बाबा मेरा ये रोग है या ये बीमारी है या ये तकलीफ है आपको काटना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? दो महादेव का नाम अपने जीवन पर हमेशा याद रखो, एक कुंदकेश्वर और एक अवधूतेश्वर। कौन से? अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर महादेव, जब बच्चा या परिवार का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है, जिस दिन अपने घर में बहुत विवाद हो रहा हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो या विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हो, तो एक बेलपत्री शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तो उस बेलपत्री को पहले नंदी के पास, अशोक सुंदरी के पास, ऊपर जो जलाधारी लगी है उस पर, उसी एक ही बेलपत्री को फिर शिवलिंग पर समर्पित करें और एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर घर के परिंडा मटका हंडा जो भी हो उसमें डालें, सबको पीने के लिए दे दें। 7 मिनट 8 मिनट ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, क्लेश बंद हो जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव बीमारी के लिए, रोग के लिए या कष्ट के लिए, बहुत कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, एकदम मिटी नहीं रहा, तब कुंदकेश्वर महादेव का। एक पत्र जैसे किसी ने फोटो भेजा है कि कोई बच्ची का फोटो है वो वेंटिलेटर पर है, तो फोटो आया है कोई वेंटिलेटर का, मोनिका सोनी जयपुर से, एक्सीडेंट हुआ था जब से अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। चौदह फरवरी 2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ, जब से आज तक वेंटिलेटर से हटी नहीं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर बेटी में अगर प्राण है और अभी भी है तो निवेदन करूंगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस बेटी के लिए कामना करें और जैसा जल बताया है बेलपत्री का, जैसी डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर, और फिर जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा जल उठा कर लाएं, इस बेटी को अगर कुछ देते हो
नहीं देते हो तो शरीर पर लगाएं, या कोई औषधि देते हो तो उसके साथ दो बूंद भी अगर इसके शरीर में चली गई तो ये विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर बेटी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा, 15 से 16 दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है महाराज, औषधि इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जैसे दक्षिण की ओर मुख कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर पेट, वो कहते ना रोग हो जाते पेट के, रोग बहुत सारे हैं महाराज, बहुत रोग है महाराज, पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रेवे, गैस का भी रेवे, और ना जाने जाने कितने कितनी बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं, दक्षिण में बैठकर अगर आप मुख कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता, 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को दिखा लो, मतलब ये पता है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है, एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर जो दबाया जाता है उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नाग नागिन उसमें 70 भरते हैं, 70 भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो 70 दबा, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं तांबे के कलश में, नियम वही है, पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था, समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नाग नागिन रखो, 70 भरो फिर दबा, पर नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो, उसमें भले तुम नाग नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर शमी पत्र अगर रख दिया तो नाग नागिन की भी जरूरत नहीं है, शमी पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है, शमी पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस शमी पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे हो, सुख समृद्धि वैभव आनंद दे। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज, तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है, ऐसा नियम है, कहीं ठेका कोई ठेकेदारी करते ना जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए या मेरा